कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज व्हाट? हाइड्रोकार्बन. कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज व्हाट? हाइड्रोकार्बन. ठीक है ना? अब मेरी बात ध्यान सुनो, जब हम लोग हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन अपने आप में कितने तरीके के होते हैं? दो. हाइड्रोकार्बन अपने आप में कितने तरीके के होते हैं? दो. एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, और एक होते हैं क्या? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अब अगर याद हो तो कल हमने बोला था कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? वेयर कार्बन कार्बन बॉन्ड इज सिंगल. कार्बन कार्बन बॉन्ड इज सिंगल, ठीक है ना. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? वेयर कार्बन कार्बन बॉन्ड इज डबल और ट्रिपल. कार्बन कार्बन बॉन्ड इज या तो डबल या फिर ट्रिपल, ठीक है ना. अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से प्राइमरीली कौन आता है बेटा? अल्केन्स. कौन आता है? अल्केन्स. और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन आते हैं? अल्कीन्स भी और अल्काइन्स भी. अल्कीन्स भी और अल्काइन्स भी, ठीक है ना. जब हम लोग अल्केन्स को डिफाइन करते हैं, जब हम लोग अल्केन्स को डिफाइन करते हैं तो मेरे प्यारों बहुत ध्यान से सुनना, अल्केन्स में, अल्केन्स में क्या लिखा है ये शब्द? ऑल. ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर डबल. ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर सिंगल. आर कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर सिंगल. जब हम लोग अल्कीन्स की बात करते हैं, जब हम लोग अल्कीन्स की बात करते हैं तो देखो जरा क्या लिख रही हूँ, देखो जरा क्या लिख रही हूँ. अल्काइन्स में क्या लिख रही हूँ? एटलीस्ट वन. At least one carbon-carbon bond is double. मतलब इसका क्या हुआ कि कम से कम एक carbon-carbon bond तो क्या होना चाहिए? Double. दो होंगे तो चलेगा, तीन भी होंगे तो चलेगा, लेकिन कम से कम एक carbon-carbon bond क्या चाहिए? Double. ठीक है ना. Similarly, at least one carbon-carbon bond is triple. कि कम से कम एक बॉन्ड ट्रिपल होना चाहिए, बाकी सिंगल भी होंगे तो भी चलेगा क्या? हाँ, दो तो हुए तो अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट कितना बॉन्ड? एक चाहिए, ट्रिपल. और यहाँ पर क्या लिखते बेटा हम लोग? ऑल. यहाँ पर क्या लिखते हैं? क्योंकि एक भी अगर डबल हो गया तो वो क्या बन जाएगा? अल्कीन. एक भी अगर ट्रिपल हो गया तो वो क्या बन जाएगा? अल्काइन. क्या? ठीक है. तो अब देखो, अब हम लोग इसके एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ जैसे हमने दो कार्बन बनाए, कार्बन टोटल हमेशा कितने बॉन्ड्स बनाएगा? कार्बन चार से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है? नहीं. क्या कार्बन चार से कम बनाएगा? नहीं. वो हमेशा कितने बॉन्ड्स बनाएगा? चार. न चार से ज्यादा न चार से कम, न चार से ज्यादा न चार से कम. तो ये क्या इस कार्बन का एक बॉन्ड बन चुका? हाँ. बाकी कौन बनाएगा? ये और ये. क्या इस कार्बन का भी एक बॉन्ड बन चुका? हाँ. तो ये और कितने बनाएगा? तीन. एक दो और तीन. क्लियर है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. और इसको और कंडेंस करके लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? C2H6. क्या ये क्लियर है? आगे जाएं. सिमिलरली जब हमने कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाया तो क्या इस कार्बन के दो बॉन्ड्स बन चुके? हाँ. तो क्या ये दो और बनाएगा? हाँ. क्या इस कार्बन के भी दो बॉन्ड्स बन चुके? हाँ. तो क्या ये दो और बनाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज C2H4. क्लियर? नेक्स्ट, अगर हम लोग यहाँ बात करें तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, क्या इस कार्बन के तीन बॉन्ड्स बन चुके? तो ये और कितने बनाएगा? एक. क्या इस कार्बन के भी तीन बॉन्ड बन चुके हैं? तो ये और कितने बनाएगा? एक. यानी कि ये क्या होगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, That is C2H2. Clear है क्या? अब ये जो कहानी हम लोगों ने यहाँ तक लिखी, ये जो कहानी हम लोगों ने यहाँ लिखी, इससे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जब कार्बन कितना था? एक. तो हाइड्रोजन कितना था? टू. जो सॉरी जब कार्बन कितने थे? दो. तो हाइड्रोजन कितने थे?
टू इंटू टू प्लस टू, टू टू सा फोर प्लस वन। जब यहां पर कार्बन दो थे तो हाइड्रोजन कितने थे? टू इंटू टू फोर। जब कार्बन यहां पर दो थे तो हाइड्रोजन कितने थे? टू टू सा फोर माइनस टू। यानी कि जब हम लोग अल्केन्स के जनरल फॉर्मूला की बात करेंगे, जब हम लोग अल्केन्स के जनरल फॉर्मूला की बात करेंगे तो वो क्या बनेगा बेटा? सी एन एच टू एन प्लस टू, सी एन एच टू एन और सी एन एच टू एन माइनस टू। इज दैट क्लियर? ये इसका जनरल फॉर्मूला, ये इसका जनरल फॉर्मूला और ये। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब इसको एक बार छाप लो, ठीक है? सेकंड पे गए तो ये कार्बन के भी हम लोगों ने चार बॉन्ड्स बना लिए। तो ये तो हमने भी ऊपर ही बनाया था, दिस वाज C2H6। क्योंकि दो कार्बन है तो इसके लिए हम लोग प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? एथ, और नाम पड़ेगा इसका इथेन, ठीक है ना? मेथ किसके लिए था? फॉर वन कार्बन। एथ किसके लिए होता है? फॉर टू कार्बन। थ्री कार्बन एटम्स के लिए यूज करेंगे प्रो। क्या यूज करेंगे? प्रो। यानी कि जब यहाँ थ्री लिखेंगे, एक दो और तीन कार्बन, तो ये कार्बन अपने तीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये कार्बन फिर से किसके किस किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? तीन। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? C3H8। और क्योंकि तीन कार्बन है तो इसके नाम क्या देंगे इसे हम लोग? प्रोपेन। क्या नाम देंगे इसे? प्रोपेन, ठीक है ना? नेक्स्ट, अगर इसकी जगह चार कार्बन होते बेटा, तो एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक दो एक दो एक दो तीन, ठीक है ना? सब कार्बन के चार चार बॉन्ड बन गए। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? C4H10 10। और इसे क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। क्या कहेंगे? ब्यूटेन। तो एक कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? मेथ। दो कार्बन के लिए क्या बोलेंगे? एथ। तीन कार्बन के लिए प्रोप। चार कार्बन के लिए ब्यूट। पांच कार्बन के लिए पेंट। छह कार्बन के लिए हेक्स। सात कार्बन के लिए हेप्ट की सेप्ट, हेप्ट, ठीक है ना? कभी भी सेप्ट मत लिखना, गलत होता है, हमको क्या आदत होती है, ठीक है ना? फिर आठ कार्बन के लिए ऑक्ट। नौ कार्बन के लिए नोन। और 10 कार्बन के लिए कितना? टेन। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग अल्केन्स की बात करते हैं तो अल्केन्स के नाम के आगे जो सफिक्स लगता है वो सफिक्स क्या होता है? एन, ठीक है ना? और इनका जनरल फॉर्मूला तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? सी एन एच टू एन प्लस टू। इज इट क्लियर? छापना है तो छाप लो, 1 मिनट दिया। देखो अगर हम लोग मीथेन बनाने जाएंगे तो कार्बन तो एक ही है उसमें। अब कार्बन अगर एक ही है तो कार्बन बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। लेकिन हाइड्रोजन करीब के पास तो शेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही कितना होता है? एक। तो वो दो इलेक्ट्रॉन्स तो शेयर नहीं कर सकता, और वो दो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकता है तो डबल बॉन्ड बन नहीं सकता कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। इसलिए हमारे जो अल्कीन्स होते हैं वो इथीन से ही स्टार्ट होते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड, कुछ इस तरीके से, दैट इज C2H4। सिमिलरली जब हम लोग प्रोपीन बनाने को जाएंगे तो वो कैसे बनेगा? सी सी सी। हमने क्या बोला है? एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन बॉन्ड इज डबल। तो हमने एटलीस्ट वन यहाँ लगा दिया, और इधर कौन सा बॉन्ड लगा दिया? सिंगल। अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए? दो। तो ये और कितने बनाएगा? दो। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए तन्वी? तो तीन और बनाने हैं। तीन बन गए, देख एक और बनेगा। बेटा तीन बन गए, एक दो और ये तीन, तो ये और कितने बनाएगा? एक। इसका एक बन चुका है तो ये और कितने बनाएगा? तीन, ठीक है ना?
इसको क्या बोलेंगे, C3H6। इसी तरीके से अगर मुझे ब्यूटीन बनाना है तो चार कार्बन, थैंक यू भैया, चार कार्बन, एक दो तीन चार, एटलीस्ट वन कार्बन, कार्बन बॉन्ड क्या चाहिए, डबल, यहाँ लगा दिए। अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन चुके, दो, ये और कितने बनाएगा, दो। इस कार्बन के कितने बन चुके, एक दो तीन, तो ये और कितना बनाएगा, एक। इस कार्बन के कितने बन चुके, एक और दो, ठीक है।